विदिशा जिले के ग्यारसपुर में आलीजा गांव में 70 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म बाद आरोपी के पिता द्वारा पीड़ित परिवार की महिलाओं को गाली और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। गांव के सभी लोग थाना ग्यारसपुर पहुंचे और महिलाओं ने शिकायत दर्ज करवाई। उसके बाद कुशवाहा महासभा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में समाज बंधुओं और महिलाओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन SDM को सौंपा। ज्ञापन में आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलवाने के लिए केस को फास्ट कोर्ट में चलाने की मांग की महिलाओं ने मांग की है। ग्रामीणों का कहना है, प्रतिदिन घटना वाले स्थल के पास शराब पार्टी चलती थी, जिसमें 6 से 8 लोग होने की आशंका जताई जा रही है। विदिशा से आशीष शहले की रिपोर्ट। आज जो आपने यहाँ पर ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे दिया, किस विषय को लेकर ज्ञापन सब समाज बंधुओं के द्वारा दिया गया बताएं। ये ज्ञापन हमारे ग्राम ओलीजा में कलाबाई जो 70 वर्षीय थी उसके साथ बड़ी निदानीय घटना की गई, इसके संदर्भ में जिला कुशवाहा महासभा द्वारा आज यहाँ पे माननीय SDM द्वारा ज्ञापन मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से हम पूरी कुशवाहा महासभा ये मांग करती है कि जो भी इसमें लिप्त रहें, चाहे वो बड़े लोग कितना भी पहुंचवार व्यक्ति क्यों ना हो, उस पे अगर इसमें कारनामा में अगर वो शामिल हैं तो उन पे भी कार्रवाई हो। और इस ज्ञापन के माध्यम से अगर दोषी व्यक्ति को लिए कड़ी सी कड़ी सजा मिली जाए, और ऐसे कहीं से न कहीं से अभी तक अपन ने देखा है बहुत से मुकदमाओं में दोषी व्यक्ति बच जाता है कोर्ट के माध्यम से, तो इसलिए हमारा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे व्यक्ति के लिए फर्स्ट पोस्ट में मुकदमा चलाया जाए और एक फांसी की सजा हो, तब की हमारी महिला बड़ी असुर महसूस कर रही हैं, तो उनके लिए भी कम से कम ये हमारे मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है महिलाओं का ना तमाम हमारी महासभा का कि ऐसे दोषी व्यक्ति के लिए कड़ी से कड़ी जल्दी से जल्दी सजा मिले, अन्यथा ऐसे अपराधों को रोक लग सके, नहीं तो ये बड़ा पूरे ये बड़े कैंसर की तरह ये कारनामा फैल रहा है। हमारा ये निवेदन है SDM जी से और आज मुख्यमंत्री के लिए हमने ज्ञापन दिया इसी संदर्भ में। और जो भी लोग अभी इस ज्ञापन के माध्यम से हमने दिया है, अन्य जगह जो दारू पार्टियों में वहाँ पे जो बड़े लोग जो भी लोग शामिल हों, हम उनका नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, जो भी इसमें अगर शामिल हो तो पुलिस उनकी छानबीन कर कार्रवाई करे, विवेचना करे, और बड़े से बड़े अगर कोई भी लोग हों तो उन पे खस्ती से कार्रवाई हो, जो अपराधी के साथ लिप्त और सपोर्ट में रहे उन पे भी मुकदमा दर्ज किया है। जय हिंद जय भारत। पीड़ित परिवार को सहायता राशि की मांग की है? हाँ, उनमें हमने पीड़ित परिवार के लिए उनकी सहायता के लिए 25 लाख रुपए की मुआवजा राशि के लिए मांग करी है, और एक परिवार के सदस्य को किसी शासकीय नौकरी से सम्मानित किया जाए क्षति के रूप में। बड़ी क्षति हुई है और ये बड़ा कृत अपराध किया है, इसके लिए हमें कड़ी मांग है प्रशासन से कि दोषी व्यक्तियों के लिए और एक टीम बना के ये जांच करी जाए कि कौन इसमें है और किन के संरक्षण में ये ऐसे काम किए जा रहे हैं, बच ना पाए अपराधी, इसलिए हमारा ये निवेदन है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।